मोदी सरकार ने किया किसानों का शोषण, अशोक तंवर। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि सर छोटू राम तो किसानों के मसीहा थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों का लगातार शोषण किया है। देखिए, ये तो ऐसे पीएम है, इनसे कोई खुश तो है नहीं। केवल 10-15 लोगों को छोड़ दो तो पूरा मुल्क नाराज है। बाकी प्रोग्राम करने के लिए कुछ लोग बुला रहे हैं, हालांकि बुलाना चाहिए नहीं था ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे देश को हर तरीके से क्षति पहुंचाने का काम किया हो, एक विफल नेतृत्व तो दिया हो। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं और लोग हैं, उन्होंने बुलाया है। नहीं, ये तो राजनीति, इनको अभी चुनाव आ गया है। देखिए, वो तो किसानों के मसीहा हैं, लेकिन ये तो किसानों के शोषक हैं। किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण तो 4 साल में मोदी सरकार ने 4.5 साल में किया है। ना उनके किसानों के कर्जे माफ़ किए, ना उनकी फसलों के दुगने दाम किए। मैं तो पूरे दिल्ली से चल करके रास्ते में आया हूँ, लाखों एकड़ ज़मीन जो है बारिश की वजह से या फिर नहरें टूट गई कई जगह, उसकी वजह से जलमग्न हो रखी है। उनकी फटाफट गिरदावरी करे, चाहे वो मैम हो चाहे हांसी हो, पूरे रोड पे देख लीजिए, हमारा इलाका भी कोई उससे अछूता नहीं है। जगह जगह भारी नुकसान है, नरमे का भी, धान का भी, बाजरे का भी। तो जो भी फसलें हुई हैं, सब्जियां तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो पूरे के पूरे लाखों जो एकड़ ज़मीन है वो ख़राब हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उसका होना चाहिए। और हरियाणा में अगर 9 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो बड़ा पैकेज, आज तक तो कुछ दिया नहीं, तो बड़ा पैकेज किसानों को भी जो उनका नुकसान हुआ उसके लिए भी, और हरियाणा को कुछ ना कुछ सौगात वो दे के जाएँ। और अगर नहीं देंगे तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता ये राज बदलने के लिए, पलटने के लिए तैयार है।